हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो स्टार्ट करती है एसएससी सीजीएसएल की जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है प्रीवियस ईयर का। यह है 10 जुलाई 2019 को हुआ था, आफ्टरनून शिफ्ट का ये आपका एग्ज़ाम हुआ था। आप इसमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, क्योंकि काफ़ी बार जो जीके हैं उसके क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको ये पेपर जो सेट हैं ये सॉल्व करने चाहिए। तो हम आज का सेट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को। तो देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2019 के इस पेपर में पूछा गया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद वालों को हम ध्यान नहीं रखते। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको फर्स्ट राज्य, सेकेंड राज्य और थर्ड स्थान पे, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हमेशा हर चीज़ का याद रखें, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला ही पूछा जाए। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि दूसरा स्थान साक्षरता दर में किसने प्राप्त किया है। तो ऑप्शन देखिए, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, मिजोरम या फिर गोवा। तो जो दूसरा स्थान साक्षरता दर में प्राप्त किया गया है वो प्राप्त किया गया है लक्षद्वीप के द्वारा, और पहला स्थान केरल का है। तो आप दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना, पहला स्थान केरल का है और दूसरा स्थान किसका है, लक्षद्वीप का है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का क्या अर्थ है, कि भाई जो कृषि के संदर्भ में जो शब्द है बारानी, इसका मतलब क्या है, सूखी खेती, मिश्रित खेती, सिंचित खेती या फिर वर्षा प्रधान खेती। तो इस बारानी शब्द का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, वर्षा प्रधान खेती इसका जो है वो सही आंसर है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या था। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं NVHCP, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, का लक्ष्य डैश तक देश भर में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन को प्राप्त करना है। मतलब इन्होंने अपना जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक के लिए रखा है कि बस इस वर्ष तक हम पूरे देश भर में हेपेटाइटिस जो सी है इसके व्यापक उन्मूलन को हम प्राप्त कर लेंगे। तो ऑप्शन आपके पास है 2030, 2028, 2022 या फिर 2025। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है NVHCP के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा था 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी। आंदोलन से पूछा गया, आंदोलन से हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई ये आंदोलन का नाम देखिए क्या है, सतनामी आंदोलन इसकी स्थापना किसने करी थी। ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, हरिदास ठाकुर, नारायण गुरु या फिर गुरु घासीदास। तो देखिए जो सतनामी आंदोलन है इसकी स्थापना जो करी थी वो करी गई थी गुरु घासीदास के द्वारा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन, पुस्तक का नाम क्या है, टारगेट 3 बिलियन, इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन में है APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, शंकर दयाल शर्मा या फिर रामनाथ कोविंद। तो टारगेट 3 बिलियन जो पुस्तक है वो लिखी गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन में पूछा है, प्रदीप कुमार बनर्जी जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ESPN, क्या है ये, ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है जो किस खेल से संबंधित है। इट मीन्स जो प्रदीप कुमार बनर्जी है उनका संबंध किस खेल से है, शूटिंग, फुटबॉल, तीरंदाजी या फिर हॉकी। तो देखिए प्रदीप कुमार बनर्जी का जो संबंध है वो फुटबॉल से है, ठीक है, और इन्होंने जीता था, मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जीता था, ये भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, और ये संबंधित कौन से खेल से हैं, फुटबॉल से। तो ये बात ध्यान रखें। आगे देखिए सेवन क्वेश्चन पूछा था, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक कौन सा है।
जो लिक्विड इन ग्लास होते हैं, उन जो थर्मामीटर होते हैं लिक्विड वाले, उनमें आम तौर पर क्या चीज़ इनमें से यूज़ की जाती है? लिक्विड नाइट्रोजन, अल्कोहल, लिक्विड हाइड्रोजन या फिर पानी? तो जो लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर होते हैं उनमें अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, हमारे पास 8 क्वेश्चन है। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में जो गटर शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो वर्ड का डॉक्यूमेंट, हम वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके संदर्भ में बताना है, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्या है, रफ काम के लिए बाई ओर दिया गया स्थान, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान, दो भरे पृष्ठों के बीच में दिया गया रिक्त पृष्ठ या फिर दो पैराग्राफ के बीच का स्थान। जो आप वो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है, इसमें गटर जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसके लिए बिल्कुल सही है, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। 9 क्वेश्चन में हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 की मेजबानी की थी? मतलब जो विशेष ओलंपिक खेल्स होते हैं 2019 में जो हुए थे, ये कौन सी जगह हुए थे, किस शहर में हुए थे? सिएटल, लंदन, इस्तांबुल या फिर अबू धाबी? तो जो ये खेल हुए थे ये अबू धाबी में हुए थे। याद रखना, ओलंपिक जो विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 के हुए थे, ये हुए थे अबू धाबी में। तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? मतलब वित्त आयोग जो है वो इसकी जो भी उसकी नियुक्ति वगैरह होती है, इसका जो उल्लेख है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 320 या फिर अनुच्छेद 280? तो इसकी जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 280 में इसके उल्लेख के बारे में बताया गया है, किसकी? वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में जो भारतीय संविधान में प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में है। 11th क्वेश्चन में पूछा था, उसेन बोल्ट को IAAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड कितनी बार उन्होंने जीता है? उसेन बोल्ट जो है वो एक एथलीट है जो कि क्या करते हैं, जो रेसिंग में भाग लेते हैं, तो उन्होंने ये जो अवार्ड है इसको कितनी बार जीता है? 6, 2, 5 या फिर 1? तो उसेन बोल्ट ने इस अवार्ड को जीता है 6 बार, तो याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने ये बार बार ये वो उसेन बोल्ट जो है वो इस अवार्ड को जीतते आए हैं, तो उन्होंने 6 बार इस अवार्ड को जीता है। अगला क्वेश्चन था, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको वो कथन चुनना है जो इनके संदर्भ में बिल्कुल गलत बताया गया है। ऑप्शन सामने है, पढ़ सकते हैं आप ऑप्शंस को। तो जो मुगलों के संदर्भ में सबसे गलत कथन है, इनमें से जो गलत कथन है वो फर्स्ट वाला है कि मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये मुगलों के संदर्भ में गलत है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 13th क्वेश्चन में पूछा था, डोमेन नामों में .au अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? जब हम डोमेन्स यानी शॉर्ट में नाम लिखते हैं तो .au जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकी संघ या फिर अंटीगुआ? तो ये जो .au यूज़ होता है ये यूज़ होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 14th क्वेश्चन को है हमारे पास, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? जैसे हर एक बैंक की कुछ ना कुछ टैगलाइन होती है, चाहे वो SBI हो, RBI हो, कुछ ना कुछ टैगलाइन होती है। तो बढ़ती का नाम जिंदगी ये किस बैंक की टैगलाइन है? कॉरपोरेशन, सिंडिकेट, एक्सिस या फिर इंडियन? तो जो बढ़ती का नाम जिंदगी है ये एक्सिस बैंक की जो है वो टैगलाइन है। कभी भी आप एक्सिस बैंक का लोगो देखेंगे उसके नीचे लिखा होगा बढ़ती का नाम जिंदगी। 15th क्वेश्चन में पूछा था, जरा दूरदर्शिता यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस जिन्हें कॉनकेव लेंस कहते हैं, दुई फोकसी लेंस यानी बाई फोकल लेंस,
उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बेलनाकार लेंस, इंग्लिश में इसे कहते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। तो जरा जो दूरदर्शिता दोष होता है, आँखों में इसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसमें जो लेंस यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं दुई फोकसी लेंस, यानी इंग्लिश में कहते हैं उसे बाई फोकल लेंस, इसमें यूज किए जाते हैं। 16 क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है, मतलब जहाँ पर एक भी बंदरगाह नहीं है, ऐसा कौन सा देश है? मंगोलिया, इरिट्रिया, तुर्की या फिर सीरिया। तो ऐसे देश का नाम जहाँ पर बंदरगाह नहीं है वो है मंगोलिया। मंगोलिया में एक भी बंदरगाह नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है बंदरगाह विहीन देश। 17 क्वेश्चन में पूछा था, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है खुजराहो, गंगेकोंडा चोलपुरम, हम्पी या फिर विदिशा। तो जो कंदरिया मंदिर है वो स्थित है खुजराहो में। तो 17th का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 18 क्वेश्चन था, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दक्षिण एशिया का, पूरे एशिया की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण एशिया का हमें बताना है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें हमेशा ज्वालामुखी आते रहते हैं वो कौन सा है। तो ऑप्शन में हमारे पास है तोशाम हिल्स, नरकोंदम द्वीप, बैरन द्वीप या फिर धिनोदर हिल्स। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है दक्षिण एशिया का वो है हमारा बैरन द्वीप। तो 18th का थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। 19 क्वेश्चन में पूछा गया था, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन में है भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और भारत के राष्ट्रपति। तो जो किसी भी सदस्य की अयोग्यता, लोकसभा का अगर कोई भी सदस्य की अयोग्यता है तो उसके संबंध पे अगर कोई मुद्दा चलाया जाएगा तो जो निर्णय है अंतिम निर्णय वो किसका माना जाएगा? तो देखिए, अगर लोकसभा की बात हो रही है तो ये इसका जो निर्णय लेने का अधिकार होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष को ही होगा, जो उनका अंतिम निर्णय होगा वही निर्णय जो है वो माना जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। 20 क्वेश्चन में है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? दुबई, अजमन, आबू धाबी या फिर शारजहाँ। उन्होंने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा यानी तीसरी उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें हिंदी का चुनाव किया है। तो उस शहर का नाम है आबू धाबी। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वो इसका बिल्कुल सही है। 21 क्वेश्चन में हमारे पास, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो 40 किलोहर्ट्ज़ से अधिक, 30 किलोहर्ट्ज़ से अधिक, 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक या फिर 50 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। तो जो अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ हैं उनकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति की जो मात्रा होती है वो होती है 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। और इन ध्वनियों को मोस्ट ऑफ जैसे चमगादड़ है ये सुन सकती है। चमगादड़ एक ऐसी जानवर है जो अल्ट्रासोनिक ध्वनियों को सुन भी सकती है और वो खुद अपने बॉडी से अल्ट्रासोनिक जो साउंड है उनको प्रोड्यूस भी करती हैं। तो 21 का थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। 22 क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस शहर ने उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था? ऑप्शन में है पेरिस, टोरंटो, ढाका या फिर दिल्ली। तो किस शहर में उसकी मेजबानी हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 4th इसका बिल्कुल सही है, दिल्ली में उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी हुई थी। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त किए हैं? ऑप्शन में है मेरठ, कुर्ग, फैजाबाद या फिर वायनाड। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का प्रयोग किया जाने लगा है? तो उस क्षेत्र का जो नाम है वो है कुर्ग। सेकंड वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन का। 24th क्वेश्चन है, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, ये पुस्तक का नाम है, एक
एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। इस पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में है नवीन चावला, हामिद अंसारी, SY कुरैशी या फिर JM लिंगदो। तो जो ये पुस्तक है ये लिखी गई है नवीन चावला के द्वारा, काफ़ी फेमस पुस्तक थी। तो जो फेमस फेमस पुस्तकें होती हैं उनके लेखक के नाम पूछे जा सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें हमसे पूछा था कि 2019 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए न्यूनतम पेंशन आश्वासन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री डैश के रूप में नामित किया गया है, मतलब इस योजना का नाम क्या था, योजना का नाम बताना है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, श्रम योगी मानधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर सुरक्षा बीमा योजना। तो जो ये योजना चलाई गई थी, इस योजना का जो नाम था वो था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि 60 वर्ष की आयु वालों व्यक्तियों को पेंशन का आश्वासन देने के लिए चलाई गई थी। तो ये थे प्रीवियस ईयर के GK के क्वेश्चंस, रोज सेट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वीडियोस को देखिए, मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू।